Like the video, subscribe the channel and on the notification icon. वेलकम बैक गाइज, मैं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं पलटू क्रेजी रिएक्शन एंड रिव्यू चैनल। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी सुपर हीरोइन तापसे पन्नू की आने वाली मूवी थापड़ का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ट्रेलर काफी जबरदस्त है, अगर आप स्टोरी समझ पाएं तो आपको ट्रेलर काफी जबरदस्त भी आएगा, काफी पसंद भी आएगा। इस मूवी के अंदर जो लीड रोल के अंदर तापसे पन्नू के साथ आपको जो है पावेल गुलाती नजर आ रहे हैं। इस मूवी को डायरेक्टेड किया है अनुभव सिन्हा ने। चलिए इसके ट्रेलर पर रिएक्शन देते हैं, इसके ट्रेलर को देखते हैं, उसके बाद इसका रिव्यू करते हैं और आपको ट्रेलर की मूवी की पूरी स्टोरी आपको समझाने वाला हूं। चलिए उससे पहले इस ट्रेलर पे रिएक्शन देते हैं और रिएक्शन से पहले आप सभी से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप हर एक मूवी के रिएक्शन रिव्यू की वीडियो सबसे पहले मिल पाए। चलिए इसके ट्रेलर पे रिएक्शन देते हैं। सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, ये लीगल नोटिस है आपको घर वापस ले जाने के लिए। मुझे नहीं जाना। व्हाट्स द रियल स्टोरी इज फैमिली? नो। ही इज हैविंग एन अफेयर? नो। You're having an affair? No. Oh, yeah, shit happens. होता है. Move people, move on. तुम एक कंपनी में इतने इमोशनली इन्वेस्टेड थे, यू कुड नॉट मूव ऑन। मैंने तो अपनी पूरी लाइफ इन्वेस्ट करी है तुम्हारे साथ, कैसे मूव ऑन करूं? आई डोंट लव यू। दूध के हम दोनों में जो अरे अमू फोड़ दिया मैंने आज। यू शुड हैव बीन देयर। बस यही सुनना रह गया था, बेटी डाइवोर्स करेगी। जाने दे बेटा, थोड़ा बर्दाश्त करना सीखना चाहिए औरतों को। हर रिश्ता फ्लॉड होता है, उसे जोड़ के रखना पड़ता है। जोड़ के रखनी पड़े कोई चीज तो मतलब टूटी हुई है ना। दीदी कल उसने फेर मारी, पर कल है ना, मैंने सोची किसी दिन इसने अंदर तक कुंडी लगा ली तो तू कहाँ जाएगी? गलत तो नहीं कर रही ना? हम तो हमेशा सही सोच के करते हैं बेटा, और कई बार सही करने का रिजल्ट हैप्पी नहीं होता। When you're truly in love, थोड़ी बहुत मारपीट तो expression of love ही है ना सर? We have eyewitness testimony कि उस रात पार्टी में कोई violent act commit नहीं आता। पता उस थप्पड़ से क्या हुआ? उस एक थप्पड़ से ना मुझे वो सारी अनफेयर चीजें साफ साफ दिखने लग गई जिसको मैं अनदेखा करके मूव ऑन करती जा रही थी। रिश्ते बनाने में उतनी एफर्ट नहीं लगती जितना निभाने में लगती है। क्या करूं, हो गया ना। ज्यादा जरूरी भी सवाल ये है, ऐसा हुआ क्यों? You should give him a chance. Imagine how embarrassed he already is. सबसे ज्यादा नुकसान अमू का है, इसके ऊपर डिवोर्सी का टैग लगेगा। अगली पिटीशन में ये भी लिखवा देना कि मैं शराबी पागल और मैनिक डिप्रेसिव हूं क्योंकि अभी इनकम्प्लीट लग रही है। You still want to play fair? उसने मुझे मारा, पहली बार नहीं मार सकता, बस इतनी सी बात है और मेरी पेटिशन भी इतनी सी है। सो गाइज, यहाँ पे तापसे पन्नू की ये मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है। ये घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वॉयलेंस पे आधारित है, यानी किस प्रकार से एक थप्पड़ पड़ता है और किस प्रकार से वो कुछ चीज़ों को, जब एक औरत काफ़ी चीज़ों को अनदेखी करती है, जब एक औरत एक घर से दूसरे घर में जाती है तो वो काफ़ी चीज़ों को अनदेखी करती है और काफ़ी चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज करती है। इस बात को आप भली भांति जानते हैं, लेकिन जब बिल्कुल बहुत ही गलत हो जाता था, वो छोटी सी छोटी चीज़ें भी उसे कड़वी लगने लगी है। यही बात है कि तापसे पन्नू ने काफ़ी चीज़ों को अनदेखा किया, लेकिन जब थप्पड़ पड़ा तो वो छोटी सी छोटी चीज़ें भी उसके उभर के बाहर सामने आ लगी जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और आखिर उसने जो है केस दायर कर ही दिया। तो ये ट्रेलर आपने भी देखा है तो आप लोग अपने विचार जरूर कमेंट कीजिएगा। ये मूवी काफ़ी ज़बरदस्त जाने वाली है, डोमेस्टिक वायलेंस पे काफ़ी मूवी भी आ रही है, लेकिन ये मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है। तापसे पन्नू की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी लगी। सो गाइज, आप इस मूवी के बारे में दो वर्ड जरूर लिखिएगा। आप देख रहे हैं पलटू क्रेजी रिएक्शन रिव्यू चैनल। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रिएक्शन रिव्यू की वीडियो सबसे पहले मिल पाए।